बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स 14.7 14.8 दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। 14.7 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वॉट 100 वॉट फाइंड द रेजिस्टेंस एंड बी पार्ट इज बल्ब इज यूज 5 आवर्स पर डे फाइंड द एनर्जी इन किलो वाट आर कंज्यूम पर द बल्ब इन वन मंथ। पार्ट ए में हमें वोल्टेज बताया गया और हम लोगों को जो बल्ब की पावर है वो बताया कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पार्ट बी में जो है वो हम लोगों को कहा गया कि ये बल्ब जो है वो डेली बेसिस पर 5 घंटे के लिए यूज़ होता है, तो एक महीने में ये टोटल कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा। तो हमें गिवन डाटा क्या है, पार्ट ए में हम लोगों को वोल्टेज बताया गया जो कि 220 वॉट है और हम लोगों को पावर बताया गया जो कि 100 वॉट है, और पार्ट बी में जो है वो हम लोगों को टाइम बताया गया है जो कि 5 आवर्स पर डे है। अगर हम लोग टोटल टाइम निकालें फॉर वन मंथ तो क्या आ जाएगा, 5 × 30 तो ये हमारा आ जाएगा मैम 50 आवर्स पर मंथ, यानी कि एक महीने में ये 150 घंटे जो है वो बल्ब जलेगा। तो हम लोगों ने अपना डाटा लिख लिया, अब हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है। हम लोगों ने पार्ट ए में जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और पार्ट बी में जो है वो कंज्यूम की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए में हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और पार्ट बी में जो है वो हम लोगों ने एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। एनर्जी इन किलो वॉट आर ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो अब हम लोग जो है वो फार्मूला लिख लेते हैं, ये पार्ट ए है हम लोगों को या पार्ट बी है, तो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। सिंपल जो है वो हम लोगों को फार्मूला जो है पावर का, पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो पावर का फार्मूला यूज़ करेंगे, पी इज इक्वल टू आई बी। तो हम लोगों के पास जो है वो करंट नहीं गिवन, हम लोगों को वोल्टेज और पावर गिवन है, तो करंट की वैल्यू क्या है, बी वी इज इक्वल टू आई आर। अगर हम लोग करंट की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, वी डिवाइडेड बाई पे आर। तो इस इक्वेशन में हम लोग करंट के का जो ये रिलेशन है ये पुट कर सकते हैं, तो पी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई पे आर इन टू वी, तो ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पे आर मीन वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पे रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो इस फार्मूले को अरेंज कर लेंगे हम लोग, तो सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पे पावर। तो वैल्यूज पुट करते, वोल्टेज जो है वो हम लोगों के 220 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई पे पावर, पावर जो है वो हम लोगों के 100 वॉट है। तो इसे हम लोग सिंपल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोगों का आंसर आता है 484 ओहम्स। ये पर रेजिस्टेंस है इसलिए इसका यूनिट जो है वो ओहम्स आएगा। अब हम लोग बी पार्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जिसमें जो है वो हम लोगों ने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी इन किलो वाट आर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी इन किलो वाट आर उसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, एनर्जी इन किलो वाट आर, तो इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला है वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम किस में आप लोगों ने लेना है, आर्स में लेना है, डिवाइडेड बाय पे 1000 डिवाइडेड बाय पे 1000। तो पावर जो है वाट में जो आप लोगों को गिवन है वो 100 वाट है और जो टोटल टाइम आप लोगों ने निकाला था वो 150 था, डिवाइडेड बाय पे 1000, तो ज़ीरो जो है ये ऊपर कट हो जाएंगे, तो हम लोगों की जो एनर्जी आए कि वो 15 किलो वाट आर जो है वो हम लोगों की एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी कंज्यूम जो हम लोगों की एनर्जी आ गई वो 15 किलो वाट आर आ गई, और ये एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है पर मंथ। अब हम लोग जो वो सेकेंड न्यूमेरिकल जो है वो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओहम्स विद 150 वाट पावर है उसकी, इस दिस बल्ब डिज़ाइन फॉर यूज़ इन 120 वाट और 220 वाट करंट। इसमें हम लोगों को एक बल्ब दिया गया जिसके रेजिस्टेंस 95 ओहम्स है और उसके ऊपर लेबल है कि उसकी जो पावर है वो 150 वाट है।
हम लोगों ने ये बताना है कि ये जो बल्ब है किस वोल्टेज के लिए या किस क्रैंक के लिए जो वो डिज़ाइन किया गया है। तो हम लोगों को गिवन डाटा क्या है, हम लोगों को रेजिस्टेंस बताई की है जो कि 150 वॉट है, सॉरी हम लोगों को जो रेजिस्टेंस बताई कि वो 95 ओहम्स है, 95 ओहम्स हम लोगों को बताई की है, और जो हम लोगों की पावर है वो 150 वॉट है। और हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हम लोगों ने वो वोल्टेज फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये बल्ब जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो वोल्टेज हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, मीन्स भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो पावर का फार्मूला जो है वो अभी हम लोगों ने पीछे जो है वो डिराइव किया है। पावर का फार्मूला हम लोगों ने क्या डिराइव किया, पी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो इसी फार्मूले को हम लोग को यूज़ कर लेते हैं। तो फार्मूला यूज़ हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला जो मैं दोबारा से डिराइव नहीं कर रही क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे न्यूमेरिकल में ये फार्मूला डिराइव किया है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो हम लोगों ने वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करना, तो पावर इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो पावर जो है वो हम लोगों को गिवन है 150 और रेजिस्टेंस जो है वो 95 है। तो इसे हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम लोगों का जो आंसर है ये आता है 1425। तो हम लोग लिख लेते हैं 14250, ये वोल्टेज का स्केयर है। लेकिन हम लोगों ने सिंपल वोल्टेज लेना है, तो हम लोग अंडर रूट ले लेते हैं आंसर का। तो हम लोगों का जो आंसर आता है 119.37। तो जो हम लोगों का वोल्टेज आ जाएगा 119.37 वोल्ट आ जाएगा। तो ये तकरीबन राउंड अबाउट हो जाएगा हम लोगों के 120 वोल्टेज के। तो इसका मतलब है ये जो बल्ब है ये किस वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये 120 वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है। कि अगर बल्ब की पावर 150 हो और उसकी रेजिस्टेंस 95 हो तो वो कितने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन होगा, वो 150 वोल्टेज के लिए डिज़ाइन होगा। तो हम लोग लिख देते हैं द बल्ब हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर डिज़ाइन फॉर 120 वोल्ट। तो ये आज के जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे वो सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।